एग्जाम हियर अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। में तो आज हम बात करने वाले हैं मिन्नत साजो कॉइन लॉटरी के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 के। तो स्टार्टिंग में देखने को मिलता है कि जिसमें मिन्नत उसा कह रहा था कि इस लॉन्ड्रे को बने हुए 31 साल हो चुके हैं। वो ये बोलते बोलते जो है वहाँ की सफाई भी कर रहा था। फिर वो बोलता है कि अब दोबारा से गर्मियाँ आ चुकी हैं। और वहाँ पर पीछे से जो है शाइन आ जाता है और उसको बुलाता है। और फिर शाइन उसको कहता है कि स्विमिंग क्लब की जो है प्रैक्टिस आज से स्टार्ट हो चुकी है। और वहाँ पे वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जो लंच बना के लाया हूँ। और उसको कहता है कि प्लीज जब तुम्हें टाइम मिले तो उसको खा लेना। और फिर वहाँ पे वो उसको कहता है कि क्या तुमने सनस्क्रीन अप्लाई की है। और फिर वो जो सनस्क्रीन निकाल के और उसको कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। वहाँ पर ही मिन्नत उसा जो पीछे के कहता है कि ये जरूरी नहीं है, तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही टेंशन हो रही है। और फिर वो उसका थैंक यू भी बोलता है। वहाँ पे शाइन उसको कहता है कि ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। और फिर वो जो है वहाँ से चला जाता है। और पीछे खड़ा हुआ मिन्नत उसा जो है जो शाइन उसके लिए चीजें लाया था उनको देख के स्माइल कर रहा था और फिर उनको देख भी रहा था। वहाँ पे वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मेरी फिक्र करती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है मिन्नत उसा जो है सबको स्विमिंग सिखा रहा था। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मिन्नत उसा जो है बैठ के अपना लंच खोल रहा था वहाँ पे ही उस जगह का जो है ऑनर जिसने मिन्नत उसा को हायर किया था स्विमिंग टीचर के लिए। तो वहाँ पर उसके पास आता है उसको कहता है कि तुम सच में रियल ट्रेनर दिखती हो। तो वहाँ पे मिन्नत उसा कहता है नहीं अभी मैं तरह नहीं हूँ। और वहाँ पे वो उसको कहता है कि थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की इस साल सबको जो है ट्रेन करने के लिए। वहाँ पे उसको कहता है कि अपना पैसा देना कंपटीशन के लिए। वहाँ पर ही मिन्नतुसा कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ इस स्विमिंग टीम का पार्ट होने के लिए। फिर मिन्नतुसा भी उसको थैंक यू बोलता है। के बाद वहाँ पे ही मिन्नतुसा जैसे ही उससे बात करते करते अपना लंच खोलता है तो वो बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से शाइन ने उसके लिए बनाया था और बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर हुआ था। उसके ऊपर लव भी लिखा होता हो तो वहाँ पर ही वो जो उसके साथ बैठा हुआ था उसको कहता है कि कितना ज़्यादा अमेजिंग लंच है और ये जिसने भी बनाया बहुत ही प्यार से बनाया है क्योंकि उसके ऊपर लव भी लिखा होता था। वहाँ पर मैंने तो उसको कहता है कि नहीं इसका मतलब ये है कि मुझे राइस बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए इसके ऊपर लव लिखा हुआ है क्योंकि मुझे राइस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बात को जो चेंज कर लेता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाइन को जब मैंने उसका कह रहा था कि मेरे लिए इस तरह का अमेजिंग लंच बनाने की जरूरत नहीं है तो शाइन उसको कहता है कि क्यों नहीं। तो वहाँ पे उसको कहता है कि मैं ऑलमोस्ट 30 का होने वाला हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है इतना ज्यादा नाइस लंच करने की। तो वहाँ पे वो उसको कहता है कि तुम क्यों नहीं खा सकते इतना अच्छा लंच और क्या तुम्हें एम्बैरस फील होता है। तो वहाँ पे ही मिन्नत उसा उसको कहता है कि नहीं तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वहाँ पे ही शाइन उसको कहता है कि तुम इस बात को क्लियर क्यों नहीं कर देते। वहाँ पे शाइन उसको कहता है कि अगर मुझे इस तरह का लंच बना के कोई दे तो फिर मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि जिसने बनाया होगा वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो वहाँ पे मिन्नत उसा उसको कहता है कि ये बात मैं नहीं कह सकता। और वहाँ पे शाइन सैड होकर कहता है कि ठीक है और मैं कल से इतना अच्छा लंच प्रिपेयर नहीं करूंगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। वहाँ पे उसको कहता है कि लेकिन रिटर्न में मुझे तुम्हें कुछ देना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लंच बनाता हूँ। वहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ पे शाइन स्माइल करके कहता है कि मुझे बताओ तुम मुझे पसंद करते हो। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो वहाँ पे ही शाइन उसको कहता है कि ये बुरी चीज़ नहीं कि आप टाइम टू टाइम बताते रहो कि आप किसको पसंद करते हो। वहाँ पे कहता है कि चलो मेरी आंखों में देखो और बोलो शाइन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वहाँ पे मिन्नत उसा जो है उसकी आंखों में नहीं देख रहा था नीचे देख रहा था। उसको कहता है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता ये अजीब है। और वो जो है जल्दी से खाना खा के और वहाँ से अपने बर्तन उठा के और चला जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे शाइन जा रहा है फिर आगे जाके उसके आगे खड़ा हो जाता है और शाइन उसको कहता है कि चलो मुझे हक करो। तो वहाँ पर मिन्नत उसा उसको कहता है क्यों सडनली तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे शाइन उसको कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये इतनी सी बात के लिए काफी नहीं है। वहाँ पे शाइन उसको कहता है कि क्या तुम्हें श्योर है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो वहाँ पे मिन्नत उसा उसको कहता है कि हाँ मुझे पता है। वहाँ पे शाइन उसको स्माइल करके कहता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। और फिर उसको कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये बोल के उसको हक करता है। मिन्नत उसा उसको कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर उसको हक करके और फिर वहाँ पर ही शाइन उसको कहता है कि तुम्हें हक करना ये भी काफी नहीं है। और फिर वहाँ पे उसकी आंखों में देख रहा था और फिर ये बोल के उसके क्लोज आता जा रहा था। फिर वहाँ पे उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था लेकिन मिन्नत उसा कुछ भी नहीं कह रहा था। लेकिन वहाँ पे ही कॉल आने लगी है किसी की। और मिन्नत उसा उसको कहता है ये कॉल सबको रख के जल्दी जल्दी उठाओ। जैसे उसको उठा के हेलो करता है तो कहता है क्या तुम रो रही हो मैं अभी वहाँ पे आता हूँ। और वहाँ पे मिन्नत उसा उसको कहता है कि ये ज्यादा अर्जेंट लग रहा है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ पे उसको कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। और शाइन वहाँ से चला जाता है। लेकिन वहाँ पे ही मिन्नत उसा जो काफी ज्यादा नर्वस हो गया था वो वहीं पे नीचे बैठ जाता है। कहता है मेरा दिल बहुत ज्यादा तेज धड़क रहा है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी थी और मिन्नत उसा जो है सुबह उठ के और शाइन को जो है गुड मॉर्निंग कर रहा था। तो शाइन ने उसको गुड मॉर्निंग करके कहता है कि मुझे माफ कर दो रात को मैं बहुत ज्यादा लेट सोया था इस वजह से मैंने लंच प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो वहाँ पे मिन्नत उसा उसको कहता है कि तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर वो बहुत ज्यादा जल्दी में लग रहा था। वहाँ पे ही उससे पूछता मिन्नत उसा की कुरा को क्या हुआ था जो कल रात रो रही थी फ्रेंड के साथ जो है लड़ाई की है। फिर उसको कहता
पता है कल रात 4 बजे तक मैं उसके साथ ही था और उसकी बातें सुन रहा था, फिर उसको कुछ बेहतर फील हुआ है। और फिर वहाँ पे ही मिन्नत तो उसको कहता है कि अच्छा तो ये बात है, फिर वहाँ पे उसको कहता है कि मैं चलता हूँ। फिर जाते जाते उसको कहता है कि अपना टॉल और अपने वाटर बॉटल ले जाना मत भूलना। वहाँ पे मीना चाचा उसको कहता है कि मुझे पता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि मीना चाचा जो है अपने कपड़े चेंज करके आ रहा था। वहाँ पे वो देखता है कि शाइन जो अपना फोन वहीं पे भूल गया, कहता है कि ये लड़का भी ना। और फिर वो उसको उठाता और कहता है कि तुम फोन कैसे भूल सकते हो। फिर हमें देखने को मिलता है कि शंकुन जो है वो पकड़ के बैठा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा था क्योंकि उसने अस्का को जो है किसी और लड़के के साथ देखा था। वहाँ पर ही उसको वो जो है मैसेज देखता है अस्का का, उस पर लिखा होता है कि मुझे पता है हम दोनों आजकल साथ नहीं पढ़ रहे। और वो सोचता है दोबारा से अस्का जो है उस लड़की के साथ बैठा होता है और उसने उसके शोल्डर पे हाथ भी रखा था। वहाँ पर वो कहता है कि मेरा क्या। वहाँ पर दोबारा से उसको मैसेज आता है कि अस्का ने उसको किया था और उसको कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ शंकुन। और फिर हमें देखने को मिलता है कि अस्का जो है बैठ के और वही मैसेज देख रहा था और कहता है कि उसने आंसर क्यों नहीं किया अभी तक। दोबारा से वो लड़की उसके पास आती है और उसको कहती है अस्का तुम अकेले हो। वहाँ पे उसको कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने उस टाइम तुमसे जो है मदद मांगी, वो बहुत ही अजीब। वहाँ पे जो है अस्का सोचता है कि उस लड़की ने उसको कहा था कि तुमने जो है मेरा एक बॉयफ्रेंड बनना है। और वहाँ पे उसको बता रही थी कि हाँ एक लड़का है जो काफी बड़ा है और वो जो है मुझे काफी ज्यादा तंग कर रहा है और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और वहाँ पे उसको कह रही थी क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वहाँ पे उसको उसको कहता है कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ पे उसको कहता है कि उसके बाद वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। फिर उसको कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुमने सच में मुझे बचा लिया। और वो जो उसको थैंक यू भी करती है। वहाँ पे उसको कहती है कि चलो ना फिर कुछ खाते हैं चलते। उसको कहता है कि नहीं अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसको कहती है ठीक है, वो उसको गुड लक भी करते हैं, वो वहाँ से चले जाती है। वहाँ पे उसका मैसेज आता है शंकुन का, उसको कह रहा था कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। वहाँ पे उसका कहता है कि क्या क्या बोला है मैंने। फिर हमें देखने को मिलता है कि मेरा तो साथ जो है शान की यूनिवर्सिटी गया हुआ था और फिर सब उसको देख रहे थे, कहता है कि मैं उसका फोन लौटाना है और लेकिन उसको अजीब लग रहा था। और फिर वो जो है अपना फेस छुपा के जा रहा था। फिर वहाँ पे वो कहता है कि मैं तो उसको नहीं ढूंढ पा रहा, मैं क्या करूँ। फिर वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो है फैन का नाम लेते हुए जा रही थी और बाकी उसकी तरफ जाती है और मेरा तो जो है छुप जाता है। और लड़कियाँ उसके उसको कह रही थी कि क्या हमारे साथ तुम उस फंक्शन को ज्वाइन करोगे। तो वहाँ पे वो कहता है कि नहीं मुझे अभी और भी क्लासेस हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने तुझे कहता है कि मैं क्यों छुप रहा हूँ। वहाँ पे दूसरी लड़की कहती है चलो फिर नेक्स्ट टाइम चलना हमारे साथ। वहाँ पे वो लड़की उसको कहती है क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगे। वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे माफ कर, मैं अपना फोन जो है भूल चुका हूँ घर। के बाद वो लड़की उसको कहती है तुम मुझे अपना नंबर नेक्स्ट टाइम दे देना। वहाँ पर ही नतीजा कहता है शाहन सच में तुम अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह इतनी आसानी से कैसे किसी को दे सकते हो। लेकिन वहाँ से शाहन जो है आगे आने लगता है, लेकिन वहाँ पे वो मिन्नतुसा को देख लेता है और उसको बुलाता भी है। वो जो है मिन्नतुसा के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे मिन्नतुसा उसको कहता है कि तुम अपना फोन घर पे भूल गए थे। वहाँ पे शाहन उसको कहता है कि मेरे साथ चलो जल्दी, उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है। फिर उसको कहता है कि चलो, लेकिन मिन्नतुसा उसको कह रहा था कि क्या हुआ, लेकिन शाहन उसको कह रहा था कि चलो छुपते हैं। वहाँ पे उसको कहते हैं हम बच गए। तो मिन्नतुसा उसको कहता है कि ये क्या हो रहा है। शाहन उसको कहता है कि तुम बगैर परमिशन की यूनिवर्सिटी कैसे आए। फिर कहता है क्यों। फिर वहाँ पे उसको कहता है कि तुम अपना फोन भूल गए थे, मैं वो देना है। वहाँ पे ही वो उसको कहता है कि थैंक यू फोन उसे लेता है। उसको कहता है कि अभी मुझे मेरे फोन की जरूरत नहीं थी। वहाँ पे उसको कहता है नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं जरूरत है ये सारी चीजें मेरे लिए लाने के लिए। मैंने तो उसको कहता है क्यों। वहाँ पे ही मैंने तो उससे पूछा क्या तुम्हें गुस्सा आया है। वहाँ पे शायद उसको कहता है कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया। फिर वहाँ पे ही उसको कहता है कि लेकिन अभी मुझे जाना होगा, मेरी क्लासेस स्टार्ट होने ही वाली होगी। वो जा रहा था जब जाते उसको बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरी यूनिवर्सिटी में मत आना और अगर कोई तुमसे बात करने की कोशिश करे उसको इग्नोर करके और चले जाना। सोच रहा था कि इसको आज क्या हो गया। हमें देखने को मिलता है कि मैंने तो सजा कुछ काम कर रहा था और सोच रहा था कि शायद को क्या हुआ है। वो कहता है कि यार सही था नहीं था कि मैं उसको वो फोन देकर आया और देखो जरा उसने मुझे कितने बड़े तरीके से ट्रीट किया। अब एक दो लड़कियां आती है उसको गुड मॉर्निंग भी करती है। फिर वो कहती है कि इनको आज क्या टेंशन है। वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है, कहता है कि शायद ये मेरा ही फॉल्ट था। बाद में देखने को मिलता है कि मैंने तो सर के जो लॉन्ड्री में का बैठा होता है और जो है कॉल कर रहा था शंकुन को, लेकिन कहता है शंकुन को क्या प्रॉब्लम है, मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहा। वहाँ पे उसके पास जो है मैंने तो आता है उसको बुलाता है, उसको कहता है तुम यहाँ पे आए। फिर उसको कहता है हाँ। फिर वहाँ पे वो उसके पास आके कहता है तुम यहाँ पे कितनी अच्छी बात है। उसको गले लगाने लगता है, उसको कहता है कि कुछ है जो मुझे तुमसे पूछना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। जो उसको देख रहा था वहाँ पे उसको कहता है बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो वहाँ पे उसको कहता है कि एक बड़ा लड़का मेरी तरह क्या वो ठीक है। वहाँ पे उसको बहुत बुरे तरीके से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। इस टी शर्ट के साथ वो अपने कपड़ों की तरफ इशारा कर रहा था और लॉन्ग हेयर भी, मैं जो हूँ अपनी डाइट का ख्याल भी नहीं रखता और मैं मोटा भी हूँ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और अस्का को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि उसको क्या कहना चाह रहा है। उसको कहता है कि ठीक है और मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है इस चीज के लिए। वो जो उठ के वहां से चला जाता है। वहां पे मैंने सब उसको पकड़ के कहता है तो मुझे इग्नोर नहीं कर सकते मुझसे।
फिर उसको कहता है कि तुम मुझसे बात करो, मुझे बताओ तुम्हारी एज का लड़का मेरी एज का लड़के को पसंद करेगा या नहीं। उसने कहता है अच्छा अच्छा समझ गया, ये बिल्कुल भी सेंस की बात नहीं है, तुम क्या कह रहे हो। फिर उससे पूछता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हें शर्म आएगी मेरे साथ घूमने में या मुझसे बात करने में। वहाँ पर उसको कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ, मुझे शर्म नहीं आएगी। तो वहाँ पर मिन्नत उसका कहता है कि अच्छा तो मुझे अब समझ आई, मुझे पता था। ये बोल के वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, फिर वो जो है बाहर चला जाता है। फिर वहाँ पे उसको कहते हैं कि रुको मेरी बात सुनो, लेकिन वहाँ से चला गया। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारी क्लास की लड़की है, उसको उसका बॉयफ्रेंड चीट कर रहा है। तो वहाँ पे उसको कहते हैं कि क्या मतलब, वो दो लड़की के साथ लगा हुआ है, वो यही बातें कर रही थी। तो दूसरे कहते हैं कि मैं इस बात पर यकीन नहीं करती, ये सारी बातें जो शरकुल सुन रहा था। फिर वो जो है कहती है उसको कि मैंने सुना था कि वो उसको कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है। और ये बोलते बोलते चली जाती है, लेकिन ये सारी बातें जो शंकुन सुन लेता है। और वो दोबारा से जो है शंकुन के बारे में सोचने लगता है कि उसने उसको बहुत बार बोला है कि वो उसको पसंद करता है, लेकिन वो दूसरे लड़के के साथ भी जा रहा था उसके हाथ में हार डाल के। फिर हमें देखने को मिलता है कि शैन भी जा रहा था और शंकुन भी। तो वहाँ पे शैन शंकुन की तरफ देखता है, शंकुन फोन में देख के और सैड हो रहा था। वहाँ पे शैन उसके पास जाता है, उसको जो है उसको भी कॉल आ रही थी, लेकिन वो जो उसको अटेंड नहीं कर रहा था। तो शैन उसको कहता है कि तुम उसका आंसर क्यों नहीं कर रहे। शंकुन उसको कहता है कि मुझे अभी बात नहीं करनी उस, और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे उससे क्या बोलना है। वो जो कॉल को कट करके कहता है कि इस वर्ल्ड में नहीं गया, और वो कहता है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी क्रिएट नहीं किया गया, सब कुछ डिस्कवर्ड है। और वो उसी तरह बोलने लगता है, शान उसको कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन उसको बोले ही जा रहा है। और फिर वो कहता है कि मुझे सारी चीज़ों के जो आंसर ढूंढने हैं, और बोलते बोलते वो आगे चला जाता है। वो पीछे मुड़ के कहता है कि मुझे नेचर की ब्यूटी ढूंढनी होगी। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं तो पता कि मुझे कभी इस तरह भी फील होगा, जैसे कि बार बार बोल रहा था। तो वहाँ पे शान उसको कहता है कि क्या मतलब कैसे। उसको कहता है कि मुझे नहीं पता। हमें देखने को मिलता है कि उसका जो है फोन को पकड़ के देख रहा था, और सैड हो जाता है क्योंकि शंकर जो है उसको आंसर नहीं कर रहा। वो जो है बाहर खड़ा होकर शंकर का वेट कर रहा था। शंकर जो है पीछे शान से वही दोबारा से बातें करते हुए आ रहा था। वहाँ पे वो उसको देखता है और काफी ज्यादा हैप्पी होता है। वहाँ पे वो जो है शायद के साथ चला जाता है। तो उसका कहता है कि इसका क्या मतलब है, वो मेरी कॉल का आंसर नहीं करता, और देखो कितना ज्यादा हैप्पी भी दिख रहा है। वो कहता है कि क्या हो रहा है शंकुन, तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, वो ये भी बोलता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि मिन्नत जो है बुक को देख रहा था, और वो कहता है कि मुझे समझ आ रही है, अच्छा तो ये है आजकल पॉपुलर। कहता है वो कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, एक्चुअली वो जो है खुद को फैशनेबल बनाना चाह रहा है। वहाँ पे शायन जो है कहता है कि मैं घर आ गया। वहाँ पे मिन्नत जैसे उसकी आवाज़ सुनता है, जल्दी से वो बुक जो है टेबल के नीचे छुपा छुपा देता है, और जोर से बोलता है कि वेलकम बैक। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। उसको कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस थोड़ी सी सफाई कर रहा था। कहता है यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई, रोज उसको भेज देता है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि मैंने तो सजा मेरे के आगे बैठा होता, अपने हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वहाँ पे शाइन जो है आके उसके रूम में कहता है कि ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो गया, लेकिन वो उसकी तरफ देखता है। तो कहता है कि तुम्हारा मूड जो है डिफरेंट दिख रहा है। वहाँ पे ही उसको कहता है कि मेहनत से तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा क्यूट है, स्माइल करके बोल रहा था। वहाँ पे वो कहता है नहीं ये मैं नहीं चाहता। शाइन उसको कहता है तो फिर क्या। उसको कहता है कि कुछ भी नहीं, बोल के वो जो है वहाँ से चला जाता है। बाद हम देखने मिलता है कि शाइन जो जा रहा था, वहाँ पे उसको इसका मैसेज आता है, और उसको कहता है कि मैं आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो तुम थोड़ा सा हैंडल कर लेना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाइन जो है अशोका के पास जाता है, उसको बुलाता है। तो उसका जो उसको उससे बात नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे शाइन उसके पास जाकर कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। उसको कहता है कि मुझे टच मत करो, मुझे देखो मत, और मेरे से बात भी मत करो। शाइन उसको कहता है लेकिन हुआ क्या है। तो वहाँ पर उसको कहता है क्या बात है। तो उसको कहता है कि कल से जो है तो बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा है, क्या तुम्हें पता है क्यों। वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, ये बोल के अंदर चला जाता है। शाइन जो है सैड होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उसका वापस आके उसको देखता है कि क्या वो चला गया। कहता है एक मिनट रुको। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि मिनट जो है कुछ शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था, और वो कह रहा था कि अब जो है शाइन को एम्बेसमेंट नहीं होगी, अगर मैं अच्छा लगूंगा तो फिर। और वो जो है काफी ज्यादा कपड़ों को देख रहा था। के बाद वो जो है कपड़े ट्राई करने के लिए जाता है, वो एक सूट पहन के आता है जिसमें वो ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो दूसरा ट्राई करता है, वो तीसरा भी ट्राई करता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। वो सर जो है सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नेतुसा जो है सूट पहन के आ रहा था, उसने काफी ज्यादा शॉपिंग की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सैड भी लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या उस पर अच्छा लगता है और क्या नहीं। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। वहाँ पे ही शाइन बार आके कहता है कि तो फिर क्या तुम आके। वहाँ पे उसको कहता है कि शाइन तुम यहाँ पे। हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों जो अंदर बैठे हुए थे। तो शाइन उसको कहता है कि मुझे अस्पताल ने बताया है। फिर उसको कहता है कि मैंने जब कहा तुम्हें कि तुम्हें यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है, क्या तुम ये सब इस वजह से कर रहे हो। उसका आंसर नहीं कर रहा था। तो उसको कहता है कि है ना तुम इस वजह से कर रहे हो ये सब। वहाँ पे वो उसको सॉरी भी बोलता है। मैं तो उसको कहता है कि शाइन मुझे माफ कर दो। वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे नहीं था पता कि तुम्हें बुरा फील होगा, मैंने जो है तुम्हें बैरस फील करवाया। फिर वहाँ पे शाइन उसको कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझ आई है ना, मेरा मतलब ये नहीं था कि मुझे एम्बेरसमेंट हो रही है।
तुमने क्या सच में यही सोचा कि मुझे शर्म आएगी कि तुम अगर मेरी यूनिवर्सिटी आए तो आप ही मेरा तो उसको कहता है कि लेकिन तुमने कहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी नहीं आना। आप उसको कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी यूनिवर्सिटी नहीं आना, इसका मतलब ये था कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो इस वजह से। वहाँ पे मीना तो उसको कहता है क्या, तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस और तुम्हारा हार्ट कुछ बहुत ज्यादा नाइस है और ये जो सबके लिए डेंजर भी है। मैं तो आदी हो गया हूँ लेकिन इसलिए मैं तुम्हारे साथ फाइन हूँ, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। अगर तुम कॉलेज जाओगे तो मैं नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो एज के लोग वो तुमसे पहली नजर में ही प्यार करने लगेंगे और वो हर वक्त तुम्हारी लॉन्ड्री में ही बैठे रहेंगे। और फिर वो जो है बहुत अजीब सी शक्ल बना के उसको कहता है कि क्या, तो वहाँ पे ही मिनिस्टर क्वेश्चन कहता है कि अब सरप्राइज मत हो, कभी कभी तुम्हें होश नहीं रहता। वहाँ पे उसका कहता है रुको रुको मैं बिल्कुल भी नहीं समझ रहा तो मुझे क्या कह रहे हो। उसका कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं चाहता कि मेरे अलावा भी कोई और तुम्हें उस नजर से देखे और मैंने तो तुम्हारी पिक्चर्स भी नहीं ली। उसको कहता है कि ये मेरा खजाना है, तो वहाँ पे ही मैंने तो उसको कहता है वेट क्या मतलब तुम्हारा खजाना क्या है, तो उसको कहता है तुम मेरे खजाना हो। वहाँ पे ही मैंने तो अपना हेड डाउन करके कहता है कि अब मैं ये और नहीं सुन सकता। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, तो वहाँ पे ईशान उसको कहता है कि ये फनी नहीं है तो कुछ सीरियस हो, तो वहाँ पे मैंने तो उसको कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया लेकिन वो बहुत ज्यादा हंस रहा था। वहाँ पे ही उसको कहता है कि समझ गया तो थैंक यू मुझे बताने के लिए, और वो ये बोल के उसको जो है सर पे हाथ पे रखने लगता है जिसको देख के शायद स्माइल करता है बहुत ज्यादा। मैंने तो उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। परेशान उसको कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कंफेस कर दिया सब कुछ, लेकिन तुमने जिस तरह अपना स्टाइल किया क्या तुम इसको सही रखोगे, क्योंकि तुमने ये मेरे लिए किया है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। बोल के उसके फेस पर हाथ लगाता है, फिर उसको कहता है कि मैं तुम सच में प्यार करता हूँ, ये बोल के बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था। वहाँ पे वो जो है उसका हाथ हटा के कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तो वहाँ पे शायद उसको कहता है कि मैटर नहीं करता कि तुम कैसा दिखते हो, मेरी फीलिंग्स जो है चेंज नहीं होने वाली कि मेरे सामने तुम हो वैसे ही रहो। फिर वहाँ पे उसको स्माइल करके देखता है तो मैंने तो सब स्माइल करता है, मैंने तो सब खड़ा होकर कहता है कि चलो चलो अब घर जाने का टाइम हो गया है। फिर वो दोनों जो है घर जाते हैं, उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी थी और मैंने तो सब दोबारा से वही कपड़े पहन रहा था जो कि वो पहले पहना करता था। उसको देख के वो काफी ज्यादा हैप्पी होता है, कहता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है। इसके बाद वो जो है किचन में जाता है तो वहाँ पर ही शाइन जो उसके लिए लंच प्रिपेयर करके गया था, वहाँ पे उसने चिट छोड़ी थी, उसको कह रहा था कि मैं पहले जा रहा हूँ मैंने तुम्हारे लिए जो लंच प्रिपेयर किया। उसको देख के स्माइल कर रहा था, उसमें लिखा होता है कि अपना ख्याल रखना। वहाँ पे उसको याद आता है कि जरूर लंच में कुछ ना कुछ लिखा होगा, फिर जैसे ही वो लंच खोलता है तो उसके ऊपर लव लिखा होता है, कहता है कि ओह नो, और फिर वो जो है लव जो लिखा होता है उसको उठा के और खा देता है। बाद में मिलता है कि मैंने तो जो कुछ चीजें लेके जा रहा था और वहाँ पे वो शाइन को देखता है, शाइन को बुलाता है कि शाइन उसको नहीं देखता है, शाइन के साथ एक और लड़का था और जिसको तो सैड हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये कौन है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।